स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीर विल्डाउ सिंह में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम स्टेयर यानी कि सीढ़ियों के बारे में प्लान करते हैं अपने नक्शा में, जो स्पेशली सिविल इंजीनियर है उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हमें स्टेप किस तरह से चढ़ाना है, हम राइज कितना लेंगे, ट्रेड कितना लेंगे, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम इसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इससे पहले भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें अगर किन्हीं ऐसे व्यक्ति हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दिक्कत आ चुकी है, तो वो इसमें पूरी ड्राइंग के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि वो अपने प्लानिंग में किस तरह से सीढ़ियाँ या स्टेयर चढ़ाएंगे और उसको किस तरह से वो लैंडिंग करा सकते हैं, कितनी फ्लाइट की दे सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा, ये हमारे पास एक प्लान है। इस प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ से पोर्शन है, यहाँ से स्टेयर जो है ये हमारी अप हो रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, यहाँ से हमारी स्टेयर अप हो रही है और ये है हमारा डाउन, यानी कि जब फर्स्ट फ्लोर से कोई अगर आएगा तो यहाँ से डाउन होगा। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो दिखाया गया है कॉलम वगैरह की पोजीशंस रहती है, बाकी ये सेक्शन वगैरह के पॉइंट्स है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है 1 फिट 6 इंच है, बाकी यहाँ से यहाँ तक 10 इंच है। ये आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी 10 फिट है। अब इससे होगा 10 इंच है, सॉरी 10 इंच, और यहाँ से यहाँ तक की दिखाया गया है कि 2 फिट 1 इंच है। अगर शायद आपको कलर में इस तरह से देखने में प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में इस कलर का यूज़ नहीं करेंगे। अब बात करें हम यहाँ से यहाँ तक, तो यह 3 फिट 6 इंच ये हमारे पास है, 6 इंच यानी 6 इंच, और यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास 3 फिट 6 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर ली है। अब अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको तो 1 फिट 6 इंच, 1 फिट 6 इंच, यहाँ से 6 फिट 9 इंच, उसके बाद यहाँ से 1 फिट 6 इंच, और यहाँ से 8 इंच, एंड यहाँ पे 10 इंच। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हमारा यहाँ से हो जाता है टोटल इसका कि हम इतनी जगह में यहाँ से स्टेयर यानी कि सीढ़ियाँ जो है इसको चढ़ाने वाले हैं, यानी कितना हो जाता है हमारा 12 फिट 9 इंच। 12 फिट 9 इंच में हमारी यहाँ पर जो आएगी लैंडिंग आएगी, ये बीम की पोजीशन दिखाया गया है, बीम यहाँ से लैंड करेगी जो कि नीचे साइड होगी और ऊपर साइड, ठीक है। अब ये हमने प्लान अच्छे से समझ चुके हैं, अब हमें क्या बात करना है कि हमें इसमें किस तरह से बनाएंगे। तो जब हमने स्टेयर का प्लान समझ लिए हैं तो अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि लॉन्ग सेक्शन ऑफ लैंडिंग बीम किस तरह से होगा। जो लॉन्ग सेक्शन रहेगा तो उसकी अगर आप बात करेंगे, आपको कहीं भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। 7 फिट 6 इंच है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें हम रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, यानी सरिया कैसे देंगे। तो ये जो है आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये है हमारा, अगर हम बात करें तो रेनफोर्समेंट जो हमने एक्स्ट्रा डाले हैं टॉप पर कटिंग। यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ मैं सबसे बाहर के पोर्शन की, जो कि आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, वो है 2 नंबर 16 mm डाया एक्स्ट्रा टॉप बार, यानी कि यहाँ पर 16 mm के आएंगे, 2 सरिया आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ही आएगा 20 mm का एक्स्ट्रा टॉप बार, और ये थ्रो आउट है जो कि स्ट्रेट है, ST यानी स्ट्रेट है, तो ये रहेगा 2 नंबर 20 mm डाया। ये देखिए एक कॉन्सेप्ट बेसिस है, तो इसमें इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा इसमें फायदा मिलने वाला है। अब बाकी जो है तो वो हमारा जो हम डालते हैं तो उसके शेड्यूल हमारे अभी हमें आगे पता चल जाएंगे किस तरह से हमें डालना है। अगर नीचे बात करें हम, एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं आप कि यहाँ से यहाँ तक जो है 1 फिट है, और अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो भी 1 फिट है, और बीच में 7 फिट 6 इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फिट है, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 फिट है। तो एक जो आपको यहाँ पर डायमेंशन के बारे में ध्यान रखना है तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप डायमेंशन को नहीं समझेंगे और यहाँ पर रेनफोर्समेंट की जो डिटेल्स है उसको नहीं समझेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है कि जो रेनफोर्समेंट के साथ साथ आपको स्टेप कितनी लेना है, क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टफ हो जाता है।
कभी कभी जब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो लॉन्ग सेक्शन लैंडिंग है तो इसमें जो बीम पोजीशंस थी, नीचे जो हमारे आएंगे 2 नंबर 20 mm आएंगे डाया स्ट्रेट आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्लस में रहेंगे, ठीक है, और 1 नंबर 16 mm यहाँ पर स्ट्रेट रहेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेट था हमारा, ऊपर जो है एक्स्ट्रा टॉप बार, और अब देखिए यहाँ पर हमने 20 mm और 16 mm और 20 mm यही डाया प्रोवाइड किए हैं। कारण बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने जो बिल्डिंग का डिजाइन किए हैं, जो स्ट्रक्चर का डिजाइन किए, ये उसके अकॉर्डिंग है। तो आप बिल्कुल ना सोचें कि आपके में भी 16 mm और 20 mm ही आप देंगे वहां पर, या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी भी टाइप से आपको कोई भी समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है इंस्टाग्राम का, आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं तो हम आप लोगों से बात भी करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम, ये है हमारा सेक्शन, ये था हमारा बीम का। अब ये हम बात करते हैं इस सेक्शन की, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड सेक्शन ऑफ एक्स एक्स। अब ये चीज हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये चीजें हम सेक्शन जो है यहाँ से हम दिखाकर डिसाइड करते हैं। सेकेंड चीज हम यहाँ से दिखाकर डिसाइड करेंगे, ये एक्स एक्स यहाँ से आप देख सकते हैं, एक्स एक्स मतलब अभी हमने जो देखे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं और अब हम एक्स एक्स में देख रहे हैं। आप इंजीनियर हैं तो आप ये चीज समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पर जो हम ये एक्स्ट्रा की बात हुई थी, ये है हमारा एक सिर्फ मिड का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बीच वाला, एक था हमारा 20 mm का एक्स्ट्रा टॉप पर, ये जो दो है यहां पर उसी के जस्ट आजू बाजू, ये हमारे दो 20 mm डाया के स्ट्रेट बार है, और जस्ट उसके नीचे जो है ये है हमारे 16 mm के एक्स्ट्रा टॉप पर, वो भी दो। इसकी बात करें तो 10 mm 5 इंच सेंटर टू सेंटर हमारी जो रिंग है यानी स्पेसिंग ये होगी। बात करें अब यहां पर तो यहां से यहां तक है 10 इंच, यहाँ पर सेम पोजीशन जो तीनों है वो है, यहाँ पर अगर तीन में बात करें तो आपको जो एक है वो है 16 mm स्ट्रेट और जो दो है वो है 20 mm स्ट्रेट। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि यहाँ से एक 16 mm है और दो 20 mm और तीनों एक साथ है यहाँ पे थ्रू आउट। तो अगर इस हिसाब से आप देखते हैं तो यहाँ पर ये मिड वाली जो है वो आपको 16 mm मिलेगी। ये हमारे कुछ लॉजिक भी लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके, देखिए टोटल हमारे पास ये है, आपको अभी मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लैंडिंग की, जो हमारी फर्स्ट लैंडिंग है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल से हमारी जो हाइट है यहाँ से हम देखेंगे 5 फिट है, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने यहां पर ओपन कर लिया हूं पूरा, यहां से यहां तक 7 फिट 6 इंच है, ये 2 फिट 1 इंच है, ये हमारा 10 फिट है, 10 इंच है, और ये 1 फिट 6 इंच है, ठीक है। अगर कहीं फिट और इंच में बोलने में मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा। अब देखिए यहां पर ये चीजें हमारी हो जाती है, तो इससे हमें अब पता चल जाएगा कितनी हाइट में कितनी लैंडिंग आएगी और कितना राइट ट्रेड लेकर हमें वर्क करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये दिखाया गया है कि 5-3 फिट है। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने जो है वो कम इस कारण किया हूँ इसमें, यानी येलो कलर में, जिससे आपको ये सारी चीजें बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आसानी से समझ में आ गए। यहाँ से बात करें तो ये 3 फिट का, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हमारा है प्लिंथ लेवल, यहाँ से हमारा बीम की पोजिशन दिखा दी गई है 10 इंच, ये है हमारी स्टेयर बीम, यहाँ पर 10 mm डाया एट द रेट 6 इंच यानी 6 इंच की दूरी पर रहेगी, 10 mm की हमारी ये रहेगी स्ट्रेट, ये हमारी वेस्ट स्लेब है जो कि 6 इंच रहेगी, ये हमारी 12 mm डाया की जो रहेगी 4 इंच के सेंटर टू सेंटर आएगा, ये जो लैंडिंग बीम आ जाएगी हमारी यहाँ पर 12 mm डाया की 4 आ जाएगी और 10 mm डाया की 6 इंच सेंटर टू सेंटर आ जाएगी, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर लैंडिंग जो कि 6 इंच रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात करें हम ऊपर 12 mm 6 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगी और ये 10 mm 6 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगी, और ये हमारे राइज और ट्रेड है जैसा कि आपको पता है,
मैं अगर इसका कलर कुछ इस तरीके से कर दूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बट मैं ये नहीं करूंगा, ये आपको सेम। ठीक है, अब हम बात करें इस पोजीशन पर तो 10 mm डाया 6 इंच सेंटर टू, और यहाँ पर 10 mm 5 इंच सेंटर टू सेंटर, क्योंकि ये सब लोड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। आगे बात करें तो 7, 2, 1, 10 इंच और 1.5, ये सेम है। यहाँ पर हमारी सेकंड फ्लाइट स्टार्ट होती है, देखिए सेकंड फ्लाइट है हमारी। अभी हमने यहाँ पर देखे हैं फर्स्ट फ्लाइट, आप देखोगे तो ये फर्स्ट फ्लाइट थी हमारी। ठीक है, अब एमएम और ये एनएन, अब ये क्या था, ये यहाँ पर एमएम मतलब हमने इसकी बात की है, अब एनएन यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड फ्लाइट में हम जैसे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले 7 फिट 6 इंच, आपको यहाँ पर 2 फिट 1 इंच, 1 फिट 6 इंच और यहाँ पर 1 फिट 10 इंच, सॉरी। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब अगर हम बात करें यहाँ से तो सबसे टॉप पर हमारी स्लैब रॉड रहेगी, स्लैब का यहाँ पर रॉड आएगा जो भी है वो, जो कि हम फिक्स करते हैं यहाँ पर 12 mm 4 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगा, 6 इंच की स्लैब रहेगी, 12 mm 4 इंच सेंटर टू सेंटर यहाँ पर रहेगा। ये बात करें यहाँ पर तो 10 mm 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और ये वेस्ट स्लैब हमारी 6 इंच की रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस पर हम स्टेप बनाते हैं, ये आपको पता होगा। इसको हम साइट पर भी आपको बताएंगे, बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे जिससे साइट पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि किस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट्स करके हमें बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। 10 mm 6 इंच सेंटर टू सेंटर, 12 mm 4 इंच सेंटर टू सेंटर, यहाँ पर भी 10 6 इंच, 12 4 इंच और यहाँ पर 10 6 12 4, इस तरह से यहाँ पर लैंडिंग बीम आ जाती है और यहाँ पर 5 हमारी आ जाती है। तो 5 और 5 10, और ये 6 और 6 यानी कि ऐसा 11 फिट हमारा टोटल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजों को आपने समझे हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स जरूर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।